चलो करते स्टार्ट। पढ़ रहे हम फ्लो थ्रू पाइप्स। एक भी सब नहीं था होमवर्क। ठीक है लिखता है। मैं 2013 मैं 13 10 मार्क्स। व्हेन सडन कॉन्ट्रैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड when sudden contraction is introduced in a horizontal pipeline from 500 mm to 250 mm from 500 mm to 250 mm diameter the pressure changes from 105 kilopascal to 69 kilopascal 105 kilopascal to 69 kilopascal full stop if coefficient of contraction is 0.65 find flow rate of water full stop niche likhna instead of this if sudden expansion is introduced of same size and if the pressure at 250 mm section is 69 kilopascal pressure at 250 mm section is 69 kilopascal what is the pressure at 500 mm section what is the pressure at 500 mm section question padte hain When sudden contraction is introduced in horizontal pipeline, sudden contraction हुआ पहले diameter कितना था 500 अचानक से उसका diameter कम हो गया कितना हो गया 250 500 मतलब 0.5 मीटर था और ये हो गया 0.25 मीटर हाँ सपोज ये अपना सेक्शन 1 और ये अपना सेक्शन 2 हाँ और क्या हुआ प्रेशर यहाँ पे P1 कितना है 105 किलो पास्कल और P2 69 किलो पास्कल हाँ आगे CC दिया कितना 0.65 और फाइंड फ्लो रेट इतना पहला पार्ट है इतना पहला करते फिर सोचते आगे अब प्रेशर दिया 1-2 डायमीटर दिया तो ये कुछ तो अलग सम है ना अब तक सिर्फ हम HF एंट्री एग्जिट वैसा इसमें देखो दो रिजर्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है तो प्रेशर दिया बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ तो अलग लगाना पड़ेगा मतलब कुछ तो अलग मतलब प्रेशर दिया तो बर्नौलीज बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 तो क्या लगेगा बर्नौलीज P1 by gamma
प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी टू बाय गामा वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू प्लस लॉसेस। कौन सा लॉस? फ्रिक्शन तो इसमें है नहीं क्योंकि एफ हमको दिया नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं लेना है। तो ये क्या हुआ? सडन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कौन सा लॉस आएगा इधर? कॉन्ट्रैक्शन वाला एच सी। ओके, अपना एच सी का फॉर्मूला क्या था? सी सी दिया तो सी सी वाला वन अपॉन सी सी माइनस वन का स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू जी। वी कौन सा? आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कौन है वो? वी टू। हाँ ठीक है, तो ये लॉस वहाँ पे हमको पुट करना है। ठीक, अच्छा इसमें कुछ पार्ट वी वन वाला है कुछ पार्ट वी टू वाला है, तो उनमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? कंटिन्यूटी इक्वेशन, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। मतलब डी वन स्क्वायर वी वन इक्वल टू डी टू स्क्वायर वी टू। मतलब 0.5 स्क्वायर वी वन 0.25 स्क्वायर वी टू, ये हो जाएगा 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25। ओके, अब लिक्विड कौन सा बोला है? वाटर। लिक्विड वाटर बोला है? नहीं बोला है तो एज्यूम कर लेते वाटर है। इसको इस तरफ ले लिया तो ये बन जाएगा पी वन माइनस पी टू बाय गामा। अच्छा डायटम किसको माने? सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को डायटम माना तो जेड वन जेड टू कैंसल, क्या आएगा? प्लस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू क्या बचा? सिर्फ एच सी। पी वन 105 माइनस पी टू 69, याद से किलो पास्कल है 10^3 अपॉन 9810 प्लस वी वन के जगह पे 0.25 वी टू द ब्रैकेट स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 इक्वल टू एच सी। इस तरफ लिखता हूँ, हाँ ये वैल्यू 1/0.65 माइनस वन का स्क्वायर वी टू स्क्वायर बाय 2 × 9.81। एक एक टर्म करो, ये पूरा बताओ इन टर्म्स ऑफ वी टू स्क्वायर कितना आता है? जीरो पॉइंट 0.0148 वी टू स्क्वायर। ये वाला टर्म 3.669 प्लस ये वाला टर्म माइनस में आएगा शायद 0.25 स्क्वायर माइनस वन अपॉन 19.62 0.04 वी टू स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐड करो और मुझे सब कुछ करके आप वी टू बताओ। सेवन पॉइंट रूट लिया ना, 6.6 मीटर पर सेकंड। नाउ क्यू विल बी ए टू बी टू 5/4, डी टू इज 0.25 का स्क्वायर इंटू 7.661। जीरो पॉइंट 37
मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, ये आधा सम हुआ, बना आधा सम हुआ। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? इंस्टेड ऑफ दिस, इफ सडन एक्सपांशन कर रहे हैं हम, और कैसे कर रहे हैं? इसी को सपोज कंटिन्यू। हाँ, ये 250 था ना पहले, अब कितना बना दिया? कितना बना दिया? 500 बना रहे ना वापस। इसको सपोज सेक्शन 3 बोल दिया अभी। ओके, अब कौन सा लॉस आएगा उधर? एक्सपेंशन वाला, मतलब एनलार्जमेंट वाला। उसमें हम क्या लिखते थे फॉर्मूला अपना? एनलार्जमेंट वाला क्या लिखते हैं अपन? V1 - V2 बोलते थे ना हम। इधर क्या बोलेंगे? V2 - V3 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2G, मतलब V2 - V3 ब्रैकेट स्क्वायर बाय 2G। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, अब जब सॉल्व करोगे चाहे तो अलग सेक्शन मान लो, ये नंबर 3, ये नंबर 4, वैसा क्या तो भी चलेगा। नया एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पे वेलोसिटी चाहे तो V3 बोल दो, इसको V4 बोल दो, ठीक है? और V3 मतलब कितना रहेगा? जितना V2 रहेगा। अपने पास V2 है ना? ठीक। अब इन दोनों में फिर से क्या लगाना पड़ेगा? बर्नौलिस। और उसमें फाइंड क्या करना है अभी? क्या फाइंड करना है? प्रेशर, समझा? अब अगर तुम्हारे पास V3 है, V3 मतलब क्या बोला? V2। V3 है तो हम V4 फाइंड कर सकते हैं। फिर से यही ये है ना, बाय डिफॉल्ट आंसर सेम ही आएगा जो पिछला था। हमने V2 निकाला है, अगर तुम V2 इसमें पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? V1। जैसे कि ये डायमीटर और ये डायमीटर सेम है, तो जितना वेलोसिटी इसका आएगा उतना ही वेलोसिटी इसका आएगा। मतलब दोनों वेलोसिटी है तुम्हारे पास, मतलब इस इक्वेशन में फिर से जेड कैंसिल होगा, वेलोसिटी दोनों रहेंगे तुम्हारे पास, और प्रेशर एक का दिया हुआ है, 250 वाले का दिया हुआ है। कितना दिया है? 69। मतलब P3 दिया हुआ है तुमको, क्या चाहिए? P4। ये मत सोचना कि फिर से P4 105 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लॉस चेंज हुआ है ना। पहले लॉस कॉन्ट्रैक्शन वाला था, अभी लॉस एक्सपेंशन वाला, समझा? करते इतना लिख लो, फिर करता हूं मैं।
मिला क्या? P4 मिला? P4 88, 80 आता है। -8 कर। नाउ इट्स P3 बाय गामा, V3 स्क्वायर बाय 2G, Z3, P4 बाय गामा, V4, Z4 एंड दिस इज HE, और ये HE का अपना इक्वेशन है। सबने पहले V1 निकाला वापस, कितना है वो? 1.9915 मीटर पर सेकंड। और ये V1 मतलब ही V4 है अपना। जेड कैंसल, P3 तुमको दिया हुआ है 69, 10^3 अपॉन 9810, V3 मतलब V2 कितना था वो? 7.661 का स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू P4 अपॉन 9810, V4 मतलब V1 1.915 का स्क्वायर बाय 2G, और HE अलग से निकाल लो, V3 माइनस V4 मतलब 7.661 माइनस 1.915 द ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2G। ये आंसर कितना था? 1.68 मीटर्स। इसको उठा के इसमें पुट कर दो, 1.68। बचा अननोन सिर्फ P4। आया 80, 80 10^3 पास्कल, या तो 80 किलो पास्कल। लिखते हैं नेक्स्ट सम। एट सडन एनलार्जमेंट एट सडन एनलार्जमेंट ऑफ वाटर पाइप फ्रॉम 0.24 मीटर टू
टू 0.48 मीटर डायमीटर, 0.24 मीटर टू 0.48 मीटर डायमीटर कॉमा द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस बाय 10 mm, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस बाय 10 mm, फाइंड फ्लो रेट, फाइंड फ्लो रेट। इतना ही क्वेश्चन, ये आया हुआ है 2006 एंड 2012, 6 marks। हाँ, क्या दिया अभी इसमें? डायमीटर पहले कितना है? 0.24, और बाद में 0.48। हाँ, और क्या दिया? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस बाय 10 mm, मतलब क्या? पहले तो बताओ, यहाँ से यहाँ पे जाने में प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? पिछले सब में यही किया ना, 69 से कितना हुआ? 80 ना, तो कम हुआ क्या? बढ़ा ना। इट्स लाइक डिफ्यूज़र, तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन है तो प्रेशर बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग है तो प्रेशर कम होगा, और क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी। और इधर वेलोसिटी कम होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो हमको बोला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर याद, यूनिट नंबर 4 HGL पढ़ा था हमने, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या बोला था? इट इज सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डैटम हेड, और अगर इसमें वेलोसिटी हेड भी डाल देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ये दो सेक्शन में, सेक्शन 1 सेक्शन 2 अगर लगा दूं बर्नौलिस फिर से, P1 बाय गामा V1 स्क्वायर बाय 2 से Z1 इक्वल टू P2 बाय गामा V2 स्क्वायर बाय 2 जी, कौन सा लॉस आएगा? एक्सपांशन, बराबर। अब V1 है क्या अपने पास? नहीं है, रिलेशन तो निकाल सकते, डायरेक्ट लिखता हूँ D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर V2, कितना था देखो, 0.48 बाय 0.24, मतलब 2, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब V1 इक्वल टू 4V2। ओके, सबको एक तरफ ले लेते हैं, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर को एक तरफ ले लेते हैं, Z तो कैंसल, बाय 2 से इक्वल टू क्या बचा? P2 माइनस P1 बाय गामा प्लस, अगर Z होता भी तो ऐसा होता Z2 माइनस Z1, और क्या होता? प्लस HA। तो ये जो टर्म है, ये टर्म इट्स सम ऑफ हाइड्रोलिक, मतलब प्रेशर हेड एंड डायटम हेड, मतलब क्या हुआ? पी बाय गामा प्लस जेड ऑफ सेक्शन 2 माइनस पी बाय गामा प्लस जेड ऑफ सेक्शन 1, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो राइज हुआ है बिकॉज जेड तो वैसे भी नहीं था, तो प्रेशर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, और वो कितना राइज हुआ वो अपने को दिया हुआ है, कितना दिया? 10 mm। तो मेरे पास ये ब्रैकेट का आंसर है, 10 mm मतलब 0.01 प्लस एनलार्जमेंट का इक्वेशन V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 जी, और ये तो है ही, V1 V2 का रिलेशन है, पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? V2, हाँ,
करते
कितना है वी टू? 0.18, 1808 और क्यू 0.032, 327 मीटर क्यूब पर सेकंड। इस टाइप का एक सम होमवर्क लिखते हैं, इस टाइप का एक सम होमवर्क लिखते हैं। द फ्लो रेट ऑफ वाटर द फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू हॉरिजेंटल पाइप इज 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड, इज 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड। फुल स्टॉप। द डायमीटर ऑफ पाइप, द डायमीटर ऑफ पाइप इज 200 mm एंड इट इज एनलार्ज टू 400 mm। फुल स्टॉप। द प्रेशर इन द स्मॉलर पाइप, द प्रेशर इन द स्मॉलर पाइप इज 11.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड प्रेशर इन लार्ज पाइप, फाइंड प्रेशर इन लार्ज पाइप कॉमा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एनलार्जमेंट एंड पावर लॉस्ट ड्यू टू एनलार्जमेंट, पावर लॉस्ट ड्यू टू एनलार्जमेंट। मतलब अचानक डायमीटर बढ़ा दिया तो पावर कुछ ना कुछ हमारा लॉस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सब तो तुमको जम जाएगा, पावर कैसे निकालोगे? लैमिनार फ्लो में भी लिखा था हमने, है ना, याद रखना, गामा क्यू एच लिखा था हमने और उस चैप्टर में हम एच एफ बोल रहे थे, बट यहाँ पे हमारा लॉस एच एफ है क्या? नहीं है। कौन है? एनलार्जमेंट। तो लिखा जाएगा गामा क्यू एच ई। तो गामा अपना वाटर का डिस्चार्ज तुमको दिया हुआ है और एच ई हम निकालेंगे, पावर आ जाएगा इन वैट्स। ओके, ये सब तुमको होमवर्क के लिए। कितने सम हो गए अब तक? 17। और कई सम है, थोड़े प्रैक्टिस करना बुक में से तुम लोग भी इस टॉपिक के, ये जो था सिर्फ पाइप सीरीज पैरेलल, 28 सम्स है बुक में, ठीक है। हमने अराउंड 17 कर लिए और टाइम मिले तो कर लेना, ठीक है। टाइटल देना नया टॉपिक सिफॉन। सिफॉन सिफॉन या कई लोग इसको साइफॉन भी बोलते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है, दोनों स्पेलिंग सही है, ठीक है। लिखता है, इट इज अ लॉन्ग, लिखता है, इट इज अ लॉन्ग बेंड पाइप, इट इज अ लॉन्ग बेंड पाइप विच इज यूज्ड, इट इज अ लॉन्ग बेंड पाइप विच इज यूज्ड टू कैरी वाटर,
फ्रॉम अ रिजर्वायर, फ्रॉम अ रिजर्वायर एट हायर एलिवेशन, फ्रॉम अ रिजर्वायर एट हायर एलिवेशन टू अ लोअर रिजर्वायर, टू अ लोअर रिजर्वायर कॉमा व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ हिल, दे आर सेपरेटेड बाय अ हिल और हाई लेवल ग्राउंड, दे आर सेपरेटेड बाय अ हिल और हाई लेवल ग्राउंड एज शोन. फुल स्टॉप. द राइजिंग पोर्शन ऑफ सिफॉन, द राइजिंग पोर्शन ऑफ सिफॉन इज कॉल्ड एज इनलेट लेग, इनलेट लेग कॉमा द हाइएस्ट पॉइंट, इनलेट लेग एल ई जी लेग, द हाइएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज समिट, एस यू एम एम आई टी समिट, सुमित. एंड द पोर्शन, एंड द पोर्शन बिटवीन समिट एंड लोअर रिजर्वायर, समिट एंड लोअर रिजर्वायर इज कॉल्ड एज आउटलेट लेग, इज कॉल्ड एज आउटलेट लेग. फुल स्टॉप. द लेंथ ऑफ इनलेट लेग, द लेंथ ऑफ इनलेट लेग इज ऑलवेज स्मॉलर देन आउटलेट लेग. फुल स्टॉप. एज इट इज अ लॉन्ग पाइप, एज इट इज अ लॉन्ग पाइप कॉमा द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज वेरी लार्ज, हेंस अदर लॉसेस आर निग्लेक्टेड, अदर लॉसेस आर निग्लेक्टेड. फुल स्टॉप. द मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर, द मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर एक्ट्स एट समिट, एक्ट्स एट समिट विच इज द गवर्निंग प्रेशर, विच इज द गवर्निंग प्रेशर ऑफ सिफॉन. बना था डायग्राम, इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट के लिए इतना मैटर लिखो, डायग्राम बनाओ, इनफ फॉर 4 मार्क्स.
डन। ढगराम डन, ये कल भी तुमको बोला था डिकोड आया है, ले लेना। कई लोग पूछ रहे थे कि डिकोड होता क्या, हमको पता ही नहीं। ठीक है, सिविल का भी आ गया है, छोटा गाइड जैसा बुक, जैसे कि एफएम का। पिछले जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेकर अब तक 7 पेपर हुए हैं। सातों पेपर इसमें क्वेश्चन पेपर भी है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में लिस्ट ऑफ फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वो भी दिया है। तो अगर कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है कंफर्टेबली पढ़ सकते हो। ठीक है, आइडियली तुमने इसको पूरा पढ़ाई होने के बाद पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे से रिवाइज करो, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली इसी पे अटैक करते जैसे कि थेरी सब्जेक्ट, मेटलर्जी, ट्रिपल ई। ओके, काम आएगा। सिविल वाले सभी सब्जेक्ट के लिए है, तुम्हारे लिए भी। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट, इट इज़ लेस देन फोटो कॉपी प्राइस। ठीक है, इसका कॉस्ट जेरोक्स कॉस्ट से कम है, याद रखना ये बात, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि रिडक्शन करके जेरोक्स मारा, इसका प्राइस तो कम था ऑलरेडी। ओके ठीक, नाउ सिफॉन। सिफॉन क्या मतलब, मान लो यहाँ पे अगर कुछ पहाड़ जैसा है और एक पहाड़ के इस तरफ से अपने को पानी इधर से इस तरफ पे भेजना है, तो अपन यूज करते हैं ये सिफॉन टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समिट, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा एंड वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये इसका पानी सक करेगा। ओके, एंड सक करके ये ड्यू टू ग्रेविटी पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। इट्स लाइक कई बार अपन बाइक के टंकी में से पेट्रोल निकालते ना, ठीक है, तो वो एक तो वो वैक्यूम जैसा आता है, उसको दबा दबा के अगर हम निकाले तब भी निकल जाता है, या फिर कई बार लोग सक करते, सक करके जस्ट स्टार्ट कर देते एंड उसके बाद फिर वो अपने आप पेट्रोल आना शुरू हो जाता है, ये वैसा ही। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समिट, जो इसका जो इसको ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज समिट, क्योंकि यहाँ पे होगा वैक्यूम मतलब नेगेटिव प्रेशर, याद रखना है। ठीक है, ये टैंक डाटम माना, सपोज यहाँ पे ये टैंक जेड ए इसका हाइट, जेड बी इसका हाइट, समिट जेड सी, दो टैंक के लेवल डिफरेंस हमने बोला है एच। ओके, और अपर टैंक और समिट इन दोनों के डिफरेंस को बोला है एच सी। ठीक है, नाउ अप्लाई करते बर्नौलीज इक्वेशन। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन टैंक ए एंड बी, दो बार लगाएंगे हम इक्वेशन, एक बार ए एंड बी और एक बार ए एंड सी। और जैसे कि हमने बोला ये पाइप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो पाइप बहुत बड़ा मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा है, डायमीटर सभी जगह पे उसका सेम है, तो ना सडन एक्सपांशन होगा ना कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो माइनर लॉस कौन से होंगे, बस एंट्री और एग्जिट, तो उनका वैल्यू एज कंपेयर टू फ्रिक्शन लॉस बहुत 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 छोटा है, तो उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते, कंसिडर किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना अगर बर्नौलीज लगाया तो क्या आएगा, अभी ए और बी के बीच में पी ए बाई गामा प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड ए इक्वल टू पी बी बाई गामा प्लस